तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे आप बाइनेंस का एक अकाउंट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस का अकाउंट बनाकर आप जो है हैमस्टर का जो है लिस्टिंग होने वाली है 26 तारीख को, तो उसकी भी आप जो है आपको प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, जहां पर आपको जो है अपना कॉइन को जो है एक्सचेंज करना है। तो ये एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है बाइनेंस, तो इसका अकाउंट आपको बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि कुछ बंदे जो है उसमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अगर एक बार जो है बाइनेंस का अकाउंट डिक्लाइन हो गया, उसमें आधार कार्ड वेरीफाई ना हुआ अच्छे से, पैन कार्ड वेरीफाई ना हुआ, उसकी KYC अच्छे से ना हुई, तो वो अकाउंट आपका इनएक्टिव हो जाएगा। इसलिए आपको इस वीडियो में बता दूंगा 5 मिनट में कि आप बाइनेंस का अकाउंट कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा वॉच करना। सबसे पहले आप क्या कर लो भाई, सबसे पहले आप प्ले स्टोर से जो है बाइनेंस को जो है डाउनलोड कर लो। अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो उसके जो है अपडेट कर लो। अपडेट करने के बाद जो है उसको ओपन कर लो। तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको जो है यहाँ पर मोबाइल की डिस्प्ले होगी उस पर आपको सारा समझाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ आपको बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाना है। प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको जो है ध्यान से देखना है भाई, कभी बाद में कहो कि जो है बाइनेंस का अकाउंट सही से नहीं बना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बाइनेंस के एप्लीकेशन को ओपन कर लो। जैसे ही इसको ओपन करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। देखिए यहाँ पर IMA न्यू क्रिप्टो एंड IMA क्रिप्टो प्रो। तो आपको जो है IMA न्यू टू क्रिप्टो पर कर देना है। इस पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल आपको जो है कर लेना है, अलाउ कर देना है। जो जो है परमिशन आपसे मांगेगा, आपको यह है जो परमिशन आपको अलाउ कर देनी है। अब देखिए मेन प्रोसीजर यहाँ से शुरू होता है। यहाँ आप मेल के थ्रू भी इसको जो है साइन इन कर सकते हैं और मोबाइल नंबर के थ्रू भी साइन इन कर सकते हैं। तो हम मोबाइल नंबर के थ्रू करेंगे जो थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं मोबाइल नंबर के थ्रू। ऐसे ही जैसे मैं डाल रहा हूँ ऐसे ही आपको यहाँ पर डाल देना है अपना मोबाइल नंबर। तो देखिए नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया, ऐसे ही आपको भी अपना नंबर यहाँ पर जो है डाल देना है। अब नंबर डालने के बाद देखिए थोड़ा टाइम लेगा इंटरनेट के अकॉर्डिंग आपका, तो ऐसे नंबर डालना आपको जो है यहाँ पर। मेल से करना चाहते हो तो मेल से भी कर सकते हो। इस मोबाइल नंबर पर जो है एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। देखिए ये OTP आ गया, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 6496। ऐसे ही आपको भी डाल देना है जो भी OTP आएगा। आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है, नहीं तो अगर अकाउंट एक बार जो है डिक्लाइन कर दिया तो फिर डिक्लाइन ही रह जाता है। अब यहाँ पर आपको जो है एक जो है बढ़िया सा पासवर्ड जो है क्रिएट कर लेना है। देखिए एक अपर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और 8 से 128 कैरेक्टर का होना चाहिए। मतलब आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। एक बार मैं यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड रख लेता हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही आपको बना लेना है एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड। आपको अपर केस भी यूज़ करने हैं और लोअर केस भी यूज़ करने हैं उसमें, जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही। ये तीनों जो है नीचे के यहाँ पर राइट ग्रीन हो जाएंगे जैसे ही आप यहाँ पर डालोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपर केस भी यूज़ किए हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ किया है, सब कुछ यूज़ किया है जो जो इन्होंने मांगा है। उसके बाद यहाँ पर जो है ग्रीन हो गया तीनों ऑप्शन। यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन यहाँ पर जो है ग्रीन हो चुके हैं। तो ऐसे ही आपको जो है फिर जो है क्रिएट करके नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड भी वेरीफाई करना है। देखिए वेलकम टू अब्रॉड यहाँ पर आ गया, डू यू हैव ए इन्वाइटर। आप अगर किसी के इनवाइट के थ्रू आए हो तो यस नो कर सकते हो, अभी आप जो है नो कर दो क्योंकि हमें किसी के इनवाइट के थ्रू नहीं आए अभी। तो देखिए अब यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर जो है इंडिया आपको सेलेक्ट कर लेना है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है पहले से। अगर कोई और आएगा आपके यहाँ पर तो आपको जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी कोई भी आईडी जो है वेरीफाई करनी है। यहाँ पर लिख के दे दिया कि बता भी रहा है आपको ऐसे करनी है। यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट इशूड आईडी होनी चाहिए, लाइसेंस चेक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आधार कार्ड कराएगा, आप पैन कार्ड भी कर सकते हो, कोई और लाइसेंस भी कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। तो अभी जो है यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं। ये मैंने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी आपका आधार कार्ड में नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पर अपना नाम एंटर कर देता हूँ जो आधार कार्ड में है। तो देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर आधार कार्ड में एंटर जो नाम है वो कर दिया, ऐसे ही आपको अपना नाम करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंट्री आ गया, यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे ऑलरेडी सेलेक्ट किया है यहाँ पर इंडिया, तो यहाँ पर ऐसे आप इंडिया सेलेक्ट कर लो और यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर दो। अब देखिए जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। जैसे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, उसके बाद आप यहाँ से कर दो कंटिन्यू। और यहाँ पर आ गया रेजिडेंशियल एड्रेस, आप यहाँ पर जो है अपना एड्रेस जो है जो भी आपका आईडी में एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख दो। तो ऐसे आपको यहाँ पर अपना एड्रेस एंटर कर देना है, ऐसे फिर कंटिन्यू कर देना है। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको डाल देना है। यहाँ पर अपना पिन कोड वगैरह जो भी आपका पिन कोड होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है, पूरी डिटेल भर के फिर यहाँ से आपको ये कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। देखिए ये पेज आ गया, फिर से यहाँ पर आ गया। अब आ गया भाई आधार कार्ड वाला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराना है। अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट भी कराना चाहते हैं यहाँ से देखिए अदर डॉक्यूमेंट में जाओगे, यहाँ पर पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ में से कोई है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप अभी पासपोर्ट हम करेंगे। यहाँ पर देखिए वेरीफाई आधार विद OTP, तो यहाँ पर कर देते हैं कंटिन्यू। जैसे ही मैंने कंटिन्यू कर दिया तो इसी मोबाइल नंबर पर, क्योंकि जिस मोबाइल नंबर से आधार कार्ड जुड़ा हुआ है
तो यहाँ पर वो डाल देना है मोबाइल नंबर और वहाँ पर एक ओटीपी आएगा। पहले अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर हमें डालना है, ऊपर जो आपको शो हो रहा है ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पर नीचे कैप्चा डालना है। तो मैं यहाँ पर एक बार आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ और फिर कैप्चा डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर भी एंटर कर दिया है और यहाँ पर जो है नीचे कैप्चा है वो भी एंटर कर दिया है। आपको दोनों चीज़ें सही से चेक करके डालनी है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर जो है ओटीपी आएगा आपके आधार कार्ड से जो कनेक्टेड नंबर होगा उस पर, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है। देखिए जैसे यहाँ पर आ गया 22 57 35, ऐसे ही आपके पास भी आएगा, जो भी ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, अब यहाँ से है सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए ये यहाँ पर जो है 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको कहेगा कि आप यहाँ डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन डाल दो, अगर आपका डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन आपके याद है तो यहाँ पर आप उसको डाल दो। पिन एंटर करने के बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है डिजी लॉकर से आपका आधार कार्ड उठा लेगा। देखिए यहाँ पर इसने वेरीफाई कर दिया इश्यू डॉक्यूमेंट, ये देखिए क्लिक आ गया आधार कार्ड पर, पैन भी वेरीफिकेशन जो है रिकॉर्ड कैन बी एक्सेस्ड, तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी आपकी भी। और अब आपको यहाँ पर जो है अलाउ कर देना है। अब आपको अलाउ करने के बाद फिर से जो है यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा। देखिए थैंक यू, यू हैव सक्सेसफुली गिवन एक्सेस, मैंने एक्सेस दे दिया है। अब देखिए बिनेंस अकाउंट में हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो चुका होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारा आधार कार्ड यहाँ पर जो है वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर डालना है, जो भी आपका पैन नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डालना है, वो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ ऑटोमेटिकली नंबर डालते ही आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा। एक बार मैं अपना आधार कार्ड मतलब पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर पैन नंबर डालते ही यहाँ पर मीनाक्षी सैनी आ गया लिखा हुआ, मतलब उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरीफाई कर लिया आधार कार्ड के थ्रू। अब आप यहाँ से कंटिन्यू कर दो। जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू करोगे तो देखिए अब आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर अकाउंट वेरीफाइड का, मतलब हमारा अकाउंट यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। अब आप यहाँ पर गो टू होम पेज पर आ जाओ, तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर बाइनेंस का अकाउंट बन चुका है। यू है जो है अभी जो है हमारा जो है अंडर रिव्यू में है, मैं आपको दिखा भी दूंगा जो हमने यहाँ पर वेरीफाई किया है अंडर रिव्यू में है। अकाउंट क्रिएटेड वेरीफाई योर एडमिनिस्ट्रेशन टू एंजॉय योर बाइनेंस जर्नी, तो हम यहाँ पर होम पेज पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा आ गया योर वेरिफिकेशन इज अंडर रिव्यू, आप देख सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पर जो है अकाउंट बन चुका है। तो ऐसे जो है आप अपना जो है फाइनेंस का अकाउंट बना लेना, उसके बाद जो है मैं इसको जोड़ के दिखा दूंगा आपको टेलीग्राम से।